Why couldn't you? Why? If you start now, then I can be able to do it. But you will take time. I'll start now. I'm going to start now. Sir. Are you sure? Ajay, please come. Bhaiya, glass. Haan, glass. Hey, barabar idhar. Oh, both. It's my buddy, Thank you. I requested. Thank you, sir. So let's see the film. Come on, let's go. Start now. It is. Left to right. Yeah, center. Guys, I'll just start the film and come up in car. Solo. Ma'am, solo. With the producer, please, Ajay Kumar Pandey. Aye. Even go on, hero. Arey, apna hero hai, bhai. Kya baat kar rahe ho? Hero. Center mein khade ho. Is tarah Ajay. Ma'am, center mein. You're close, close. Thoda close. I'm close. You are this side. Hello. 5.5 pe rakhna. Solo. Thank you. Sir, आपका solo चाहिए. Solo. Yeah. Ma'am, here. Madam, here. Where are you? Hi. Ma'am, look here. Yeah, it's the CD we just started. Thank you. Sir. Buzz. Wait. Thank you. कौन बोला थैंक यू हाँ थैंक यू सबके साइड से अभी क्या बोला सबके साइड से अच्छा ज़्यादा हेड आएगा लाइट आ रही है वो देखो वाला कुछ सर सेंटर लुक लाइट आ रही है सर सेंटर लुक सर आप लाइट सर सोलो आपका सर सर आपका सब सीट भाई तुम्हारा कैमरा आ रहा है सर वेट
मैं आगे जाऊंगा नहीं। अरे भाई सुनना नसीम, तू है ये ले ले थोड़ा सा पीछे सर, ये ले 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 इधर रख दो, ये ले 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 छोटा पड़ गया तो चला रोल कर एक मिनट सर, और दो आ रहे लगाओ और घूम नीचे कर लो ऐसे ऑडियो प्रोग्राम जैसा होता है ना रोलिंग रोलिंग सो दैट यू डोंट हैव टू कीप रोलिंग रोल कैसे लगा जस्ट अभी अभी मैं देख के निकला हूँ बाहर हुए भाई और बड़ा मजा आया। राजा राम राजा मुखर्जी पुराने दोस्त हैं और मतलब हम लोग ने काम किया साथ में, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं। ये फिल्म में तो उन्होंने मतलब एक इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज और यू नो जस्ट 15 मिनट्स में बोलना, इट्स बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ लवली मैसेज के यू नो WhoAmI, एक औरत एक्चुअली क्या क्या नहीं होती और क्या होती है। So it's a lovely film. I believe everybody should watch it, and you will know what I'm talking about. Okay, film जो है वो women empowerment पर बिल्कुल बिल्कुल तो क्या कहना चाहेंगे कितना जरूरी है women empowerment पर movies बनाना? बहुत जरूरी है क्योंकि ये है कि हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि यू नो हमारे ज़हन में यही होता है कि हीरो हीरो मतलब यू नो मेल गाय, बट यू नो द वुमन इज इक्वली यू नो हीरो है, तो उनको भी दिखाना चाहिए कि वो इतना काम करते हैं और सब कुछ करते हैं बेसिकली, कैसे मल्टीटास्क करते हैं, तो उन्हें भी इक्वल दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट तो काफ़ी टाइम होता ही है, सभी आजकल वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, बट मैन्स एम्पावरमेंट पे कहीं ना कहीं कोई ध्यान नहीं देता, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैन एम्पावरमेंट याद ऐसा होता है ना कि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत सारे जॉब्स होते हैं या जो भी प्लेसमेंट्स होती हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली दे लुक फॉर यू नो मैन, बट अब ज़माना बदल रहा है, इक्वल होने लगा है, मतलब यू नो वेमेन आर इक्वली, वो हर लेवल पे इक्वल है, दे कैन डू एवरी थिंग व्हाट अ मैन कैन डू। ओके, जैसे कि आपको पता है क्रिसमस है, क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए? अभी क्या है यू नो इट्स अ फेस्टिव सीजन, तो डेफिनेटली पार्टीज़ हैं और सब लोग के घर पर जाएंगे एंड क्रिसमस है तो सबके घर जाके खाना वाना खा के एंजॉय करेंगे। ये मैसेज होगा कि देखिए कि औरतों को इक्वल समझिए और उन्हें मतलब इक्वली ट्रीट कीजिए, ऐसा सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, ये सुबह से लेकर रात तक ये पुरानी प्रथा चली आ रही है कि सुबह से लेकर रात तक एक औरत किचन में यू नो पूरा काम करती रहती है, प्लस उनसे ये भी उम्मीद रखी जाती है कि वो बाहर जाके भी सब काम करे, प्लस ये भी उम्मीद रखी जाती है कि ऑफकोर्स वो जाके ऑफिस में भी काम करे, तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हाथ बटाएं, हम भी काम करते हैं हमें पता है, लेकिन अगर हम आके अगर ऐसे ऑर्डर दे देंगे ये चाय लेके आओ पकौड़े लेके आओ तो कैसे चलेगा यार, कभी कभी खुद भी जाके बना लें उनको बिठा के बोले कि भाई बैठो मैं चाय लेकर आता हूँ यार। देखिए मेरा ख्याल है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो उस घर में रह गया जो उस घर में चला गया वो विनर ही है, हिम्मत चाहिए उस घर में जाने के लिए क्योंकि मैं जाके आ चुका हूँ, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि करणवीर बोरा है और दीपिका है वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सुशांत है वो इज शोइंग यू नो व्हाट ही इज, सो अभी ये तीन लोग मुझे लग रहा है कि ये हैं, लेट्स सी, दीपक भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी तक, ही इज देयर एंड ऑफ कोर्स आज बाकी लोग भी हैं,
फ्रेंकली स्पीकिंग अपडेट्स ही हैं जो जिसके ज़रिए मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ, बाकी फॉलो करने का मौका नहीं मिलता। जैसे अभी भी मैंने कहा कि आई हैव रश फॉर माय शूटिंग, अब शूटिंग नाइट्स तो मिस ही हो जाता है, बट हाँ अपडेट्स में जो मुझे मोटा मोटी पता चल रहा है दैट्स व्हाट। देखिए क्या होता है ना, हर बार लास्ट सीज़न से कंपेरिजन तो होना ही है। हमारे टाइम पे बोलते थे कि भाई पहले वाला इतना अच्छा नहीं था, ये वाला अच्छा है। अब हमारे वाले हमारे सीजन से सीजन 11 से सर कैमरा लुक 12 कंपेयर किया जाएगा तो कंपैरिजन तो होंगे, तो 19-20 तो होगा ही। थैंक यू सर। वेट चालू कैमरे में अल्लाह का बोलो थैंक यू बात करो बहुत अच्छा काम किया ये एक वुमन के ऊपर एक महिला के ऊपर आपको फिल्में बनानी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। औरत जात को हमारे यहाँ जो है बहुत ही इजी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, औरत का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं की नहीं, अभी तो फिर भी ठीक है, इससे पहले बहुत ही ख़राब था। अभी तो फिर भी इज्जत बाकायदे बढ़ रही है और लोग समझ रहे हैं ये टेलीविज़न के कारण घर घर ये बातें पहुंचती है, लोगों तक बात पहुंच रही है और पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत बढ़िया है। प्लानिंग बस यही है, इस साल भर में हमने जो कुछ किया है अच्छा बुरा, जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ अच्छा ही होता है, और 31st के दिन हम उसे प्रार्थना करते हैं कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमें अच्छा रखा, अगले साल भी अच्छा रख। आप सबको नया हाँ किसके बारे में एस्ट्रोलॉजी नहीं, नहीं, नहीं। नमस्ते, मैं कौन हूँ? सबसे पहले जब मुझे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में पता चला था देन आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे स्टोरी सुन के लगा कि बहुत अच्छी स्टोरी है, लोग बहुत रिलेट करेंगे इससे, स्पेशली वुमेन, एंड बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर है। तो जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है जो जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके और यू नो पब्लिक उससे जुड़ सके, सो वो बहुत अच्छा ही है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मुझे फिल्म जब मुझे सुनाई गई, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म दिस फिल्म बिकॉज डेफिनेटली कोई अच्छी मीनिंगफुल चीज़ होती है तो वो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करती है। बींग एन एक्टर एंड बींग अ पर्सन दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी डियर टू मी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। सॉरी ऑफकोर्स इट डज, बिल्कुल। इसके बाद पब्लिक और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करना चाहेगी, और जब आप कुछ अच्छे मुद्दों पर कुछ ऐसी फिल्म करते हैं, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो देखने वाले हैं वो आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। सो डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे शोल्डर्स पे काफ़ी बढ़ चुकी है अभी, सो आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सबकी तरफ से और जो भी देखने वाले आ रहे हैं उन सबकी तरफ से। आई एम वेरी ग्लैड जी।
इसी मोमेंट के लिए और इसी अप्रिसिएशन के लिए एक एक्टर इतना हार्डवर्क करता है, लगा रहता है हमेशा. सो मुझे लग रहा है आज वो तपस्या कहीं ना कहीं बहुत सफल हो गई. सो जब सर ने मुझे पर्सनली कहा कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग कम्प्लीट राइट नाउ दैट यू नो आई डिड समथिंग गुड एंड सेटिस्फाइंग. आई लव रानी मुखर्जी, विद्या बालन, सॉरी, एंड बहुत सी हीरोइंस हैं, बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, सभी अच्छा करती हैं, लेकिन हाँ लाइक रानी मुखर्जी, विद्या बालन एंड ऐसी एक्ट्रेसेस जो मीनिंगफुल सिनेमा और करती हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है डेफिनेटली. हम जैसे पोस्टर को देखो तो मुझे ऐसा लगता है पढ़ने जी यू रिमाइंड मी ऑफ डिंपल कपाड़िया ऑफ क्रांति. ओ दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू. थोड़े राइट में आपके बाइक कर ले, थोड़ा उधर रखता है. हाँ वही बैठ कर लेते हैं. चलो रिपोर्टर्स अरोली रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राजा को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी. ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड एक्टर एंड ऑलवेज वी सपोर्ट ईच अदर. एंड ये जो सब्जेक्ट मेरे पास जब इन्विटेशन आया था उसका हु एम आई, व्हेन आई वाज रीडिंग दैट इट वाज सो बैंग ऑन दैट बीइंग अ गाय, उन्होंने औरत के बारे में सोचा और उसके लिए एक फिल्म बनाई एंड वी ऑल हैव टू सपोर्ट इट एंड आई लव द टाइटल हु एम आई. तो ये जो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है औरतों की हर जगह पे हर फील्ड में, उसके लिए दिस इज़ द फिल्म. एंड इनके पहले भी उन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं जिनके बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं. सो आई एम श्योर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड एंड ही इज़ अ वेरी इमोशनल गाय. सो आई एम श्योर देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ इमोशन इन दैट एंड इट टचेज वुमेन्स हार्ट. एंड बेसिकली हु एम आई औरत के बारे में जो होता है वो औरतों को देखने के बजाय मर्दों को देखना चाहिए ताकि वो रियलाइज़ करें कि उनके दिल में क्या फीलिंग होती है. नेक्स्ट टाइम दे बी केयरफुल अबाउट इट एंड गिव देम रिस्पेक्ट. वी डोंट नीड ओनली मदर्स डे एंड सिस्टर्स डे एंड वुमेन्स डे टू सेलिब्रेट वुमेन्स रिस्पेक्ट. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट लेडी इन द हाउस एंड आउटसाइड. दैट्स व्हाट आई वांट टू से एंड आई एम श्योर राजा मस्ट हैव डन जस्टिस टू दैट. एक तो इट्स सो सैड कि अभी भी हमें ना फिल्म बनानी पड़ती है बताने के लिए कि वुमेन एम्पावरमेंट करो, औरतों की इज्जत करो, ये करो. सो सैड, तो ऑलरेडी होना चाहिए बट ऐसी फिल्में बना के एक रिमाइंडर कंटिन्यूस होता है कि कम ऑन, जो इतने रेप केस होते हैं, इमोशनल रेप होते हैं एंड द टॉर्चर होता है. ऐसी जो फिल्में बनती है, शॉर्ट फिल्म जो भी अच्छी बनती है, उससे क्या होता है, एक अवेकनिंग होती है, एक टैप होता है कि हेलो
आई इफ यू फॉरगॉट इट आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन. तो बहुत ज़रूरी होती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फिल्म बनाना, बट मैं वही बोली सो सैड कि हमें बनानी पड़ रही है, लोगों के दिल में वैसे ही नहीं आती है चीज़ें. मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता बिग बॉस देखने का. इनिशियली जब अनूप जी थे, अनूप जी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इज लाइक हमारा फैमिली पर्सन. जब मैं छोटी थी तब से उन्हें जानती थी, तो जब वो बिग बॉस में जा रहे थे उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो आई वाज शॉक्ड कि अनूप जी आप क्या करोगे वहाँ पे, बिकॉज वो तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकते. बट आई वॉज लाइक नो. एंड जब मैंने नेक्स्ट डे देखा तो ऑल ओवर इट वॉज ओनली अनूप जी, लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर हिम. बट तब तक मैं थोड़ा ध्यान रखती थी, अभी जब से वो चले गए तो आई आई हैव लॉस्ट टच इन दैट. बट यस, बिग बॉस इज बिग बॉस मैन. ऑफकोर्स आई, बट यू नो वॉट, वेन आई मेड ये दूरियाँ वॉज अगेन अ वुमन एम्पावरमेंट. इट वॉज लव आफ्टर डिवोर्स, इज इट अ क्राइम? जैसे शादी हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, सो एवरीबडी लुक्स कि औरत की गलती होती है, कुछ भी हो जाए वो औरत की गलती होती है. एंड औरतें ही ज़्यादा बोलती हैं कि इसने कुछ किया होगा ना, इस टिपिकल रन डाउन. सो वेन आई मेड दैट फिल्म, इतना स्ट्रगल था मेरे लिए, क्योंकि एक फिल्म बना के उसे रिलीज करना, ऑडियंस तक पहुँचाना, इट्स अ बिग टास्क. सो आफ्टर दैट एक होता ना, एक बच्चा आपने डिलीवर कर दिया, उसके बाद यू आर सो टायर्ड कि बॉस अभी मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए. बट येस, बिकॉज थ्रू दिस शॉर्ट फिल्म एंड ऑल दिस थिंग आई विल डू इट. माई सॉन्ग्स ऑल्सो, वट एवर आई मेक इट, इज अगेन अ वुमेन स्टोरी. एंड वेरी सून आई विल बी डायरेक्टिंग एंड मेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द राइट सब्जेक्ट. एंड येस, इट्स एवरीवेयर एंड आई एम सो हैप्पी कि हर जगह पे इन्हें मतलब इज्जत दी जाती है, अवार्ड दिए जाते हैं. तो बीइंग अ वुमन, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक पार्ट इन सच काइंड ऑफ इवेंट्स एंड डू मोर दिस काइंड ऑफ फिल्म. यस ऑफ कोर्स, शी इज़ ऑन द वे. अभी शी इज़ इन द ग्रूमिंग थिंग. शी इज़ जस्ट सम 17. शी इज़ डूइंग बी एन फिल्म मेकिंग. तो लेट हर अंडरस्टैंड हाउ फिल्म मेकिंग इज दैट. And then very soon she'll be come with the right time, with the right banner, right bank. And of course, all of your support, it's very important. Mujhe suggestion, bachche hume suggestion dete hain. But let her just groom herself. I'm a very strict mother. So I said, pehle sab perfect seekh lo, uske baad industry mein aao, meri naak mat katana. But no, I'm proud of her. She's very dedicated and very hardworking. Do you have preferences? Do you follow your daughter? Do you make a sensation? जी, अच्छी बात है. वो तो जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो दिखता है. सो इट्स अ नाइस थिंग. एंड शी जस्ट वॉक द रैम एंड वेर एवर आई गो पीपल टॉक अबाउट हर. इनफैक्ट जो उनके टीचर्स हैं उनकी तारीफ करते हैं, उसके डेडिकेशन की तारीफ करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई ऑलवेज टेल हर दैट पीपल अभी तक उसे जानते हैं शी इज़ दीपशिकाज डॉटर, वन डे विल कम दे सेड विदिकाज मदर. टेन ईयर्स बिफोर आई बॉट द हाउस 2008, एंड थैंक्स टू रेरा नाउ, बिकॉज लॉट ऑफ बिल्डर्स एंड डन इलीगल परमिशन एंड ऑल दिस थिंग करके 10 years से आई एम वेटिंग फॉर द हाउस. एंड अभी परेशान होकर मैं शिफ्ट हुई हूँ. तो नाउ बिकॉज ऑफ द रेरा थिंग दे आर सेइंग, अभी भी दे आर सेइंग नवंबर आ जाएगा, डिसम्बर आ जाएगा. अगर डिसम्बर तक नहीं आएगा सो देन वी हैव टू डू समथिंग. बट वॉट वी कैन डू, देर इज़ नथिंग वी कैन डू इट. हमारी लॉ इतना सॉरी स्ट्रिक्ट नहीं है कि आज आपने किया और कल एक्शन हो जाएगा. तो सच अ लॉन्ग प्रोसेस. तो इट्स अ स्ट्रगलिंग, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग. एंड आई ऑलवेज फील मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है, मेरे पास फिर भी दो घर है, जिनके बेचारे के पास घर नहीं है, जो रेंट पे रह रहे हैं और जो आपकी EMI चला रही है, उनकी क्या हालत होती होगी. आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दिस. इलेक्शन इज़ कमिंग, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन अच्छे दिन हमारे कब आएंगे मुझे नहीं पता. यू नो, थैंक यू. राजा जी लोग.
As a woman, I think it's fantastic. Who am I? मैं कौन हूँ? और ये एक हर जो female है हमारे Indian fabric, Indian society के अंदर, I think we can all understand. ये हमने अपने साथ देखा है, अपने माँ, अपने आंटी, चाची, जो भी हमारी जो फैमिली है उनमें ये सिचुएशन देखा होगा. सिर्फ ये यहाँ पर इतना दिखाया कि थोड़े से ये जो अपनी फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं वो अपसेट लगती हैं और उनका जो कन्फ्यूजन है वो दिखाया है, पर ये डेली लाइफ में ये होता है. एंड बहुत सारी चीज़ें हम लेडीज़, हम विमेन से एक्सपेक्ट की जाती है कि हम अगर बाहर भी काम करें या बच्चों ने अगर फ़ोन भी किया, अगर उनकी भी डिमांड हो या फैमिली की डिमांड हो, हमेशा हमें ही सब करना पड़ता है. तो ये जो डिपिक्शन है ये बहुत हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग और रियलिस्टिक है. और इसमें सबसे, और ये टाइम आ गया है, वक्त आ गया है कि हम सोसाइटी में चेंज लाएं. और ये जो हमारे घर में होता है, ये डेली जो इंसिडेंट्स हैं उसको फिल्म में देख के ऐसे लगता है ओ माय गॉड ये होता है. तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले कि हर जो मेल हैं, हमारे ब्रदर हैं, फादर हैं, हस्बैंड हैं, सन्स हैं, इनको ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए, बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नो हाउ टू लव एंड रिस्पेक्ट वुमेन. एंड आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर दैट चेंज. एंड राजा मुखर्जी द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, आई थिंक मैं उनको कहूँगी कि वो ग्रेटेस्ट फेमिनिस्ट हैं, कि एक फीमेल के बारे में वो बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो एम्पथाइज करते हैं और बड़ी सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने ये दिखाया है. सो येस, कंग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड टू राजा. मैंने ऑलरेडी उनके साथ एक फिल्म आई डिड विद हिम, सब ठीक है, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये दिखाया, रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ वुमन, मदर एंड अ डॉटर. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई होप द चेंज इज़ हियर एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम. हु एम आई, मैं कौन हूँ. मेरी फिल्म का कौन सा मुझे रोल याद आया? मैंने इन्हीं के साथ एक फिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म, सब ठीक है. उसके अलावा वेल, साउथ में मैंने ऐसे एक दो फिल्में की हैं जहाँ से मैं, मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ या अच्छी वाइफ बनती हूँ, लेकिन वो सारे हमेशा नाखुश रहते हैं. और इनफैक्ट उस फिल्म के अंदर मैं एक ऑथर हूँ और वो मुझे ऑथर, मतलब वो राइट करने भी टाइम नहीं मिलता और सारा दिन ये घर का ही काम. सो आई हैव डन जस्ट वन फिल्म इन द साउथ, इसको मतलब इस तरह से रोल के ऊपर. सो या एंड इन द एंड उस फिल्म में हस्बैंड रियलाइज़ करते हैं और बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि मदर्स रोल इज़ नॉट के किचन में बस खाना बनाते रहो, उनकी भी अपनी खुद की ड्रीम्स होती हैं, एम्बिशंस होते हैं और उन्हें परसू करना चाहिए. तो द एंड इज़ लाइक दैट. सो हियर ऑल्सो आई थिंक इट्स सिमिलर. तो दिस इज़ डेफिनेटली वेरी प्रोग्रेसिव, इट्स लाइक अ मिरर कि हमें देखें और वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स एंड वी शुड होप दैट आवर फैमिली रिस्पेक्ट्स एंड सपोर्ट्स अस. मैं अपने आप को किसी भी खांचे में नहीं डालना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं किस तरह की रोल करना चाहूँगी. आई डोंट नो, आई एम एन आर्टिस्ट एंड और स्पेशली इन टुडेज टाइम्स आई वुड लव टू प्ले दुर्गा, आई वुड लव टू प्ले दिस रोल, आई वुड लव टू डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड मेक श्योर दैट अ गर्ल इज़ अ, यू नो, इट्स एन इक्वल टू अ मैन. जब हम फेमिनिस्ट कहते हैं ये ऐसा नहीं है कि मैन के साथ इक्वालिटी एंड जॉब एंड ऑल दैट, बट इट इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स रोल. एक मैंस रोल होता है, एक वुमेन्स रोल होता है और उसमें कम ज़्यादा नहीं होता, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके साथ में चलना चाहिए. एंड आई वुड लाइक टू प्ले एनी सच रोल. मैं अपने आप को कोई भी डिफाइन नहीं करना चाहती. मैंने अभी हाल ही में, मेरी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है तमिल में, अग्निदेव, वेयर आई एम द एंटेगनिस्ट. So I am enjoying playing different kind of roles and I don't want to define myself. Thank you very much.
See, basically it's the story of an everyday woman and बहुत अच्छे से उसको दिखाया गया है. They've kept it very short and very effective. तो सबसे अच्छी बात यही है. मुझे सबसे अच्छा जो फिल्म में ये लगा कि once she decided that she wants to go ahead and pursue her dreams, she just got up and did that. She उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उसको revolt करना पड़ा, पूरी अपनी फैमिली को चेंज करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ऑल ऑफ दैट. शी डिसाइडेड कि नहीं, मैं यहीं रह के आई विल जस्ट मेक द चेंजेस दैट आई वांट. एंड आई बिलीव दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज एवरी वुमन इज इंडिस्पेंसिबल टू द फैमिली. आज एक औरत के बिना एक घर नहीं चलाया जा सकता. और अगर शायद वो अपने ही घर में रह के वो छोटे छोटे चेंजेस करें और अपनी लाइफ को और यू नो मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करें तो वो हो सकता है. दे जस्ट नीड दैट करेज. अलग तरीके से, नॉट इन द सेम वे. मैं शेयर नहीं कर सकती बिकॉज अलग एक वो फीलिंग है. इट्स नॉट पर्टिकुलर इंसिडेंट. यू नो आई कम फ्रॉम अ वेरी लिबरल फैमिली तो डायरेक्टली मैं उसको नहीं कोरिलेट कर सकती हूँ. बट एवरी वुमन, एवरी girl in some sort of the other is expected to be multitasking, is expected to do everything right. You know, the male ego keeps coming in some way or the other and wo hum sab face karte hain kisi way mein, you know, kisi na kisi way mein, because the woman always becomes the anchor of the family. To and hum logon ko har dam se ek aadat hoti hai to become mothers, to become, you know, the all giving people, to take care of people around us. Sometimes while doing that we let go of our wishes, our needs. तो अपने आप को remind कराना पड़ता है कि नहीं, you are as important and you need to take care of yourself. जितना मुझे पता चलता है, because it's surprising for me too. As I said कि मैं उस you know strata से नहीं आती हूँ. So in my view, every woman now is doing, like you and I are pursuing our dreams, we are working outside. But haan, there are many of those women jinhone kabhi apni dreams ke baare mein socha hi nahi hai. Like I believe if I ask my mother also today that what she really dreamt of, and I have never asked my mother, how surprising is that? Like I've just assumed that she always wanted to get married and have a child and have children and just take care of the families. Have you asked your mother? So we are living around women who are very central to our lives and we have just assumed that yeah, they never really had ambitions. And yes, I believe that even still there are women who are doing that henceforth as well. Probably, yeah, the next time I meet my mother, because this is the thought that came to me, that's why I was able to say it right now, because I thought of it, that I've never checked with my mother what she wanted to do in her life. I'm working. Work plans. Okay, thank you. Thank you.